नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी गई आपकी परीक्षा? आपका फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छा किया। हाँ, मैंने आपके पेपर्स देखे और मैं सोचने लगी मेरे बच्चे तो बहुत सयाने स्मार्ट हो गए हैं। सयाने? अच्छा, सयाने का मतलब होता है बेटा इंटेलिजेंट। और मुझे आपके पेपर्स देख के बहुत खुशी हुई। मम्मा भी बोल रही है मेरे बच्चे सयाने हो गए। अच्छा, पता है आज का तो अपना टॉपिक ही यही है। क्या टॉपिक है? लेसन 10, सयाने बच्चे। और आज हम लोग साथ में क्या करेंगे? मिलके हम लोग करेंगे इसका रीडिंग। तो आप सब सेट हैं अपने टेक्स्ट बुक के साथ? ये पेज नंबर 60 की ओर हम जाते हैं और साथ में मिलके करते हैं रीडिंग सयाने बच्चे। तो आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं रीडिंग की तरफ, जिसका टॉपिक है सयाने बच्चे। ये कहानी है रूस के देश की। आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दो बच्चियों की कहानी जो कि बहुत ही सयानी है। ठीक है, तभी तो इसका टाइटल दिया गया है सयाने बच्चे। यह रूस देश की बात है, यह रूस देश की बात है। ईस्टर के शुरू के दिन थे, बर्फ़ गलने लगी थी, पर आंगन में कहीं कहीं अब भी बर्फ़ के चकते थे और गल गल कर बर्फ़ का पानी गांव की गलियों में होकर बहता था। एक गली में आमने सामने के घरों में से दो लड़कियां निकली। गली में था पानी, वह पानी खेतों से होकर हुआ आया था, इसलिए मैला भी था। बाहर गली में एक खाली जगह तलैया सी बन गई थी। दोनों लड़कियों में एक तो बहुत छोटी थी और एक थोड़ी बड़ी थी। उनकी मम्मी ने दोनों को नई फ्रॉक पहनाई थी। दोनों वे सिर पर लाल रुमाल बंधे थे। दोनों के सिर पर लाल रुमाल बंधे थे। पहले दोनों ने एक दूसरे को अपनी फ्रॉक दिखाई और फिर खेलने लगी। जल्दी ही दोनों का मन हो उठा कि चलें पानी में, उछालें मारें। अब छोटी लड़की जूते मोजे समेत पानी में बढ़ जाना चाहती थी कि बड़ी ने रोक लिया। ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ निन्नी, वह बोली, तुम्हारी मम्मी नाराज होगी। अपने जूते मोजे उतार लेती हूँ, तुम भी अपने उतार लो। दोनों ने ऐसा ही किया, दोनों ने ऐसा ही किया और पानी में एक दूसरे के और चलना शुरू किया। जब दोनों पास पास हुई तो बड़ी लड़की मीशा बोली, खबरदार निन्नी, पानी उछाला ज़रा देख कर चलो। वह कह पाई ही होगी कि निन्नी के पांव एक गड्ढे में जाकर पड़ा और पानी उछल कर मीशा की फ्रॉक पर आ गिरा। फ्रॉक पर छींटे छींटे हो गए। मीशा ने अपने फ्रॉक पर धब्बे देखे। वह नाराज हो उठी और निन्नी को मारने के लिए दौड़ी। निन्नी घबरा गई और मुसीबत देखकर पानी से निकलकर घर भागने को हुई। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? लेकिन ठीक
उसी समय मिशा की मम्मी उधर आ गई, अपनी लड़की की गंदी हुई फ्रॉक देखकर बोली, यह फ्रॉक गंदी कैसे कर ली? मिशा बोली, मैंने नहीं, निन्नी ने खराब की है। यह सुनकर मिशा की मम्मी ने निन्नी को डांट लगाई तो निन्नी रोने लगी। रोने की आवाज़ गूंज उठी। आवाज़ सुनकर निन्नी की मम्मी बाहर निकल आई। तुम क्यों मेरी निन्नी को डांट रही हो? कहकर वह अपनी पड़ोसिन को खूब खरी खोटी कहने लगी। बात बात पर बात बढ़ी और उन दोनों में झगड़ा होने लगा। गली में भीड़ इकट्ठी हो गई। वे दोनों झगड़ा करती ही गई। तभी मिशा की बूढ़ी दादी आई और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी। अरे क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? इधर मिशा ने कीचड़ के छींटे पोंछकर फ्रॉक साफ कर ली और फिर पानी के तलैया पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने एक पत्थर लिया और तलैया के पास की मिट्टी को खरोच कर हटाने लगी, जिससे पानी निकलने के लिए रास्ता बन जाए और पानी बहकर बाहर निकल जाए। यह देख निन्नी भी झट से आकर उसका हाथ बटाने लगी। पानी उन नन्ही लड़कियों के बनाए रास्ते से निकल गली के उस तरफ बढ़ा, जहां बूढ़ी दादी खड़ी दोनों की मम्मियों को समझा रही थी। बहते पानी को देखने में दोनों लड़कियां खूब मग्न थी। तभी दादी दोनों को देखकर बोली, तुम लोगों को लड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम इन बच्चियों के लिए लड़ती जा रही हो और इन्हें देखो तो कैसे यह सब कुछ भूल कर खुशी खुशी खेल रही हैं। तुमसे तो कहीं ज़्यादा ये ही समझदार हैं। सब लोगों ने उन नन्ही लड़कियों को देखा और शर्मिंदा हुए। फिर खुद पर ही हंसते हुए अपने अपने घर चले गए। सीख, कभी कभी छोटे बच्चे भी बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं। क्या सीख है, आइए एक बार रीड करते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे भी बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं। तो ये था बच्चों अपना रीडिंग पार्ट, सयाने बच्चे। ठीक है, आपको समझ में आया सही इसका उच्चारण, और आप इसका रीडिंग ज़रूर करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे आपको नए वर्ड्स यानी कि कठिन शब्द और नए वर्ड्स दिखें, वो आप अपनी कॉपी में दो दो बार करके लिखेंगे ताकि आपको उनका सही उच्चारण समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना। तो बेटा, इसमें वर्कशीट का पार्ट आपका रहेगा, आप इसमें से नए वर्ड चूज़ करेंगे और सारे के सारे आप दो दो बार अपनी कॉपी में इसे अच्छे से स्वच्छ और साफ सुथरी राइटिंग में उतारेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही मेरे सयाने बच्चे। आप अपना ध्यान रखते हुए और मुस्कुराते रहिए। स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।